छोटे बच्चे हैं ना, मेरी बात मानोगे ना? हेलो हेलो, ऐसे कहो हेलो। चले गई मुझसे डर कर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो कल मैं मेरे मम्मा के घर था और कल हम वापस आ गए और मैंने ये छोटी सी गड्डी ली। सब अपने अपने काम पे लगे हैं और मैं खेल रहा हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज का ब्लॉग तो बंटू ने स्टार्ट कर दिया गाइस। तो फिलहाल का कुछ ऐसा सीन है कि कल उड़द काट दिए गाइस, तो काटे हुए उड़द घर ले जा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल वही काम चल रहा है गाइस। ये देखो, तो ये है उड़द गाइस। ये देखो, ये काट लिए। तो मूंग तो अभी नहीं काटे गाइस, 4-5 दिन के बाद मूंग भी काट लेंगे गाइस। बेतना कोटा सच है जी। और गाइस, आज का वेदर तो देखो, ये बादल आ गए गाइस आज। तो अब तो बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है बारिश आने की। अभी गाइस हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में बारिश हो गई गाइस। वैसे हमारे यहाँ तो नहीं हुई, पर सौराष्ट्र में कई कई जगहों पर बारिश हो गई है गाइस। आज के तमन गिरे साथ लगी है या सरस सरस सरस। मैं और श्वेतल बांधने का काम कर रहे हैं गाइस, एंड मम्मी एंड एक मजदूर है वो घर ले जा रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं अभी भट्टा देखने के लिए आया हूँ गाइस। तो अभी भी भट्टा गर्म है गाइस और बहुत फट चुका है गाइस। ये देखो, कोयला हमने डाला ना, तो इसकी वजह से अभी भी बहुत गर्म है। वैसे 1 वीक हुआ भट्टा जलाते और अभी भी जल रहा है, अभी भी तेज गर्म है। अब गाइस भट्टा ये ठंडा हो जाए उसके बाद फिर वो एक दिन जो हम प्लास्टिक का जो कागज लाए थे वो ढक देंगे गाइस। बारिश में भीग जाए तो हमारी ईंटें ख़राब हो सकती है, तो इसलिए कागज तो हम पहले से ले आए हैं गाइस, तो ढक देंगे गाइस। और अभी भट्टा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं गाइस। वैसे भट्टा ढकेंगे नहीं तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी गाइस। बहुत मेहनत की है गाइस इस ईंटों के पीछे, तो बहुत मेहनत की हमने। पहले घास वाड़ बाकी दो बकरा हार। तो गाइस सब काटे हुए उड़द घर ले गए गाइस, एंड श्वेतल अभी चारा काट रही है बकरियों के लिए, एंड मैं गाइस मूंग की सिक्योरिटी कर रहा हूँ गाइस। ये पालतू जानवर आके अब लास्ट में ख़राब ना कर दे, इसलिए मैं अभी सिक्योरिटी कर रहा हूँ। अब तो थोड़े ही दिन में काट लेंगे गाइस, फिर ऐसी सिक्योरिटी नहीं करनी पड़ेगी गाइस। और क्या बताओ, हमारा वैकेशन भी ख़त्म होने ही वाला है गाइस। अब तो 2-3 दिन ही बचा है गाइस, उसके बाद फिर चले जाएंगे हमारे निवासी स्कूल पे गाइस। तो गाइस अभी सुबह के 11:30 बज रहे गाइस, तो खेत की सिक्योरिटी करने के लिए श्वेतल आ गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर, भूख लगी है गाइस बहुत। तो गाइस आम की बाड़ी में से जो कचरा निकाला वो जला दिया गाइस, जो आम के पत्ते थे वो, आम के बहुत ज़्यादा पत्ते थे वो सब जला दिए गाइस। ये देखिए गाइस मेरी बाने, ये सब वाड़ी साफ कर दी है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये और ये हमारी बकरियां है, दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए
गाइस, और ये हमारा दोस्त है, और ये भी बकरी है। ये मुझसे थोड़ा डरती है गाइस। और ये देखिए, ये पूरी वाड़ी साफ कर दी है। ये देखिए गाइस, ये भी साफ कर दिया। और ये इधर से ऐसे ये साफ कर दिया, और ये भी साफ कर दिया। ये देखिए गाइस, ये पूरी तरह साफ चमकीला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, ये बकरी है ना, इसको खाने की चीज समझ रही है। और ये छोटी छोटी बच्ची, छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीची, इधर वीडियो में देखो। छोटे छोटे बच्चे है ना, मेरी बात मानोगे ना? हेलो हेलो ऐसे कहो, हेलो। चले गई मुझसे डर कर। तो ये देखिए, ऊपर भी पूरी तरह साफ कर दिया है मेरी बा ने। ये देखिए इधर बहुत सारी गंदगी थी, अब साफ हो गई। ये देखिए, ओ इधर तो एक आम है। ये देखिए आम, अब ये पका नहीं है। तो गाइस, अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं गाइस। तो ये देखो गाइस, गोदड़े धोने का काम स्टार्ट कर दिया, तब थप कर रही है गाइस। ये आटा कितना, एक बे त्रन चार धोवानी आ जाए। आटला त्याण खत्म होते हैं, चार खाना बोल दी। तो गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं गाइस। तो चलो अब एडिटिंग का काम करता हूँ गाइस। तो आज के लिए बस इतना। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।